हिंदू प्रमुख सर्वदलीय हिंदू संगठन ने कथावाचक पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री के विरुद्ध अपशब्द बोलने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। अपनी एक सूत्री मांग को लेकर संगठन के पदाधिकारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी भी की। इस अवसर पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मनीष चौधरी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम अपने धार्मिक पर्वत चुनाव प्रवचनों में राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का खुला विरोध करते हैं, जिसके कारण अन्य धर्मों के लोग बेचैन रहते हैं और उनके बारे में अपशब्द बोलते रहते हैं। ज्ञापन के माध्यम से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन एवं प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए हिंदू प्रमुख सतीश ढल ने बताया। मैं सतीश ढल, हिंदू प्रमुख सर्वदलीय हिंदू संगठन। हमारे बाबा धीरेंद्र कुमार शास्त्री जी पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम, इनके खिलाफ जो आज हिंदुस्तान में माहौल बनाया जा रहा है, इनके खिलाफ बोला जा रहा है कि ढोंगी बाबा हैं, उससे हमारे 100 करोड़ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। उसके साथ जो हिंदुस्तान के मुस्लिम संगठन भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम उन्हें बता देना चाहते हैं, अब हिंदू समाज का 100 करोड़ हिंदू सब संगठित हो चुका है। अब हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ अब कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू राष्ट्र भारत बन के रहेगा, विश्व गुरु बन गया है। जब तक हमारे मोदी जी और योगी जी हिंदुस्तान में हैं, अब किसी की बात को सुना नहीं जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हिंदू संगठन के लोग, जो लोग भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, जो लोग हमारी सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, ये बोलना बंद कर दे, नहीं तो अन्यथा हिंदू संगठन कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर रवि चौधरी, आशु चौधरी, सुरेश श्रीवास्तव, अतुल भटनागर, हर्ष गौतम, मनीष जाटव, प्रशांत जाटव, आकाश एवं विशाल जाटव सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।